फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम टू यूनिवर्सिटी अकेडमी चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था प्राइम नंबर का प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज कैटेगरीज ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन को हम कितनी तरीके से यूज कर सकते हैं सी में। ठीक है, तो आइए इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि फंक्शन में हम रिटर्न टाइप भी यूज कर सकते हैं और आर्ग्यूमेंट। आइए देखिए इसका क्या मतलब है। एक प्रोग्राम बनाते हैं हम इस कैटेगरी को समझाने के लिए, सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर यूजिंग फंक्शन, यानी कि हमें नंबर की डिजिट का सम करना है यूजिंग फंक्शन। सबसे पहले आइए एक बार लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि लॉजिक मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ सम ऑफ डिजिट का। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर हमने इनपुट करा 1, 2, 5, तो इसकी तीनों डिजिट मुझे ऐड करनी है आपस में। तो तीनों डिजिट मैं इसकी ऐड तब कर पाऊंगा जब मैं इसकी तीनों डिजिट का सम कर दूं, सही है, या फिर मैं तीनों डिजिट इसकी क्या कर दूं सेपरेट। तो मैं इसकी तीनों डिजिट सेपरेट कैसे कर सकता हूं, मैं क्या करूंगा 1, 2, 5 का मॉड कंप्यूट करूंगा 10 से, आउटपुट आएगा 5। उसके बाद मैं 1, 2, 5 को 10 से डिवाइड करूंगा और नंबर मेरा कन्वर्ट हो जाएगा 12 में, सही है। देन उसके बाद मैं 12 का फिर से मॉड कंप्यूट करूंगा 10 से और आउटपुट आएगा मेरा 2। देन इसके बाद मैं 12 को फिर से 10 से डिवाइड करूंगा और आउटपुट मेरा 1 आएगा। इस तरह से मैं 5, 2 और 1 ये तीनों डिजिट सेपरेट कर सकूंगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा तीनों डिजिट को ऐड कर लूंगा। तो आइए देखिए बनाते हैं इस प्रोग्राम को हम। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी प्रोग्राम फंक्शन के थ्रू बनाना है तो सबसे पहले आपको सोचना है फंक्शन डेफिनेशन के बारे में। तो हम सम ऑफ डिजिट की लिखने जा रहे हैं डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन में जो पहली चीज है वो है फंक्शन डेफिनेशन हेडर पार्ट। ठीक है, तो फंक्शन डेफिनेशन हेडर पार्ट हम लिखते हैं। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा खुद का और उसका नाम दे दिया सम डिजिट। फंक्शन जो मैंने क्रिएट करा उसका नाम दिया सम डिजिट। अब सोचता हूं मैं कि इसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या पास करूं। आर्ग्यूमेंट मैंने बताया था कि फंक्शन डेफिनेशन में हम यहां पर पास करते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, तो फॉर्मल पैरामीटर यहां पर मैं कितने पास करूं, यहां पे बेसिकली मुझे केवल एक ही आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, इंट एन। एन का मतलब एन वो नंबर है जिसकी डिजिट्स मुझे ऐड करनी है, और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप मैंने लिख दिया यहां पर int, यानी कि इंटीजर। ठीक है, अब देखिए इस फंक्शन की हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैंने फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करी, आपको पता ही है एक वेरिएबल लिया s = 0, क्लियर है, और एक वेरिएबल लिया रिमाइंडर। ठीक, रिमाइंडर के अलावा किसी और वेरिएबल की रिक्वायरमेंट मुझे पड़ेगी, देखिए जरा, रिमाइंडर के अलावा किसी और वेरिएबल की रिक्वायरमेंट अभी मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। चलिए करते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहां पर मैंने एक लूप लगाया वाई एन नॉट इक्वल टू 0। आप इस प्रोग्राम को पहले भी बना चुके हैं, बस केवल डिफरेंस क्या है कि इस बार आप जो भी कोड है वो अपने बनाए हुए फंक्शन के अंदर कर रहे हो। तो आप ये लूप पहले भी लगा रखा है आपने, मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा होगा वाइल एन नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 125 को आप 10 से डिवाइड कर रहे हो। तो आप अगर एक नंबर को 10 से डिवाइड करोगे और वो ही वैल्यू बार बार इस n में ही रिसीव कर लेंगे, सही है, किस में रिसीव कर लेंगे इस n में, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब n की वैल्यू हो जाएगी 0 और वही होगी हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन। वाइल की बॉडी मैंने स्टार्ट करी, इसके बाद मैंने रिमाइंडर कंप्यूट करा, रिमाइंडर इक्वल टू n मॉड 10। देन उसके बाद s इक्वल टू s प्लस रिमाइंडर, एंड फाइनली n को मैंने 10 से डिवाइड करा और वैल्यू n में ही रिसीव कर ली। वाइल की बॉडी मैंने क्लोज कर दी। सिंपल सी बात है भाई, n के अंदर वैल्यू क्या है, n के अंदर वैल्यू है 125। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं n के अंदर वैल्यू क्या है 125। ठीक है, तो देखिए लूप जो चलेगा वो कैसे चलेगा, 125 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल वाइल की बॉडी के अंदर आया, 125 का जब आपने मॉड कंप्यूट करा 10 से तो आउटपुट आया मेरा 5, 5 आपने
रिमाइंडर में रिसीव कर लिया तो रिमाइंडर के अंदर वैल्यू क्या आ गई, 5। एस की वैल्यू आपने इनिशियलाइज करी थी 0 से और रिमाइंडर की वैल्यू कितनी थी, 5। 0 प्लस 5 कितना हो गया, 5। 5 आपने एस में असाइन कर दिया तो एस की वैल्यू क्या हो गई, एस की वैल्यू 5 हो गई। देन इसके बाद आपने एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 करा। अब देखिए जरा 125 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 12 आएगा। वो 12 वैल्यू आपने n में असाइन कर दी तो n की वैल्यू हो जाएगी 12। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा वापस वाइल लूप पे, लेकिन n की वैल्यू यहां पर हो चुकी 12। 12 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू। फ्लो ऑफ कंट्रोल वाइल की बॉडी के अंदर आएगा लेकिन यहां पर n की वैल्यू हो चुकी होगी 12। ठीक है, अब एक बार बताइए 12 का अगर हम 10 से मॉड कंप्यूट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा यहां पर 2। क्लियर है, एस के अंदर लास्ट टाइम आप वैल्यू क्या कॉपी कर चुके थे, 5। यानी कि एस के अंदर पहले से ही 5 पड़ा था और रिमाइंडर की वैल्यू ऊपर से इस बार आई 2, तो 5 प्लस 2 हो गया 7 और एस की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 7। ठीक है, अब एक बार बताइए 12 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 12 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 आपने कॉपी कर दिया n में तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब कंट्रोल जाएगा इस लूप पर लेकिन n की वैल्यू हो चुकी 1। 1 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू। फ्लो ऑफ कंट्रोल वाइल की बॉडी के अंदर आएगा और n की वैल्यू यहां पर कितनी हो चुकी, 1। जब हम 1 मॉड 10 कंप्यूट करेंगे तो आंसर आएगा यहां पर 1। ठीक है, देखिए जरा लास्ट टाइम s के अंदर आप क्या कॉपी कर चुके थे, 7। तो इस टाइम s के अंदर पहले से ही क्या पड़ा था, 7। और रिमाइंडर की वैल्यू ऊपर से कितनी आई, रिमाइंडर की वैल्यू 1 आई, तो 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8। यानी कि s के अंदर वैल्यू क्या आ गई, 8। हाँ, इस टाइम अगर आप n की वैल्यू ऊपर से 1 आई तो 1 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0 और n के अंदर वैल्यू आ जाएगी 0। फ्लो ऑफ कंट्रोल लूप पे जाएगा, 0 नॉट इक्वल टू 0 साफ दिखाई दे रहा है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फुल फ्लो ऑफ कंट्रोल वाइल की बॉडी के बाहर और s के अंदर आपने क्या रिसीव कर लिया, s के अंदर आपने 1 टू 5 का सम रिसीव कर लिया। आए बस में ठीक, लेकिन अब देखिए जरा इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो आपने किस में रिसीव करा, वो आपने s में रिसीव करा। इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन क्लोज होने पर एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अगर ये फंक्शन कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा तो इससे हम s की वैल्यू ही रिटर्न क्यों नहीं करा लेते, क्यों, क्योंकि s के अंदर क्या है, इस प्रोग्राम का आउटपुट है। तो मैंने सिंपल यहां पर क्या लिख दिया, रिटर्न s और मैंने फंक्शन की डेफिनेशन क्या कर दी, क्लोज। क्लियर है, अब आइए इधर की साइड जरा मेन फंक्शन पे, क्योंकि ये मैं पहले ही पढ़ा रखा है मैंने कि ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है ये बिना कॉल करे एग्जीक्यूट नहीं होगा। सही है, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए इसको कॉल करना जरूरी है। ठीक है, तो कॉल करने के लिए हम कहां आएंगे, मेन फंक्शन पे। यहां मैंने हेडर फाइल डिक्लेयर करी, हैश इंक्लूड एसटीडी आईओ डॉट एच, देन इसके बाद हैश इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच। देन देखिए उस फंक्शन की जो डेफिनेशन आपने लिखी है उसकी क्या डिक्लेयर करेंगे अपन, प्रोटोटाइप। तो यहां क्या लिखा हमने, इंट सम डिजिट इंट और सेमीकोलन, ये मैं पहले प्रीवियस लेक्चर में ही आपको पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, देन इसके बाद हम लिखेंगे मेन फंक्शन इंट मेन। ठीक है, और मेन के अंदर हमने क्या करा, मेन के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया, लेट्स से n। n का मतलब क्या है, n इज दैट नंबर ऑफ विच यू वांट टू एड डिजिट्स। तो n की वैल्यू इनपुट कराइए, प्रिंट एफ एंटर नंबर, और यहां क्या लिखेंगे आप, स्कैन एफ परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ n। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इतना काम करने के बाद आपने क्या करा, यहां पर एक वेरिएबल इनपुट करा लिया। ठीक है, उसके बाद आपने इसको कॉल करा फंक्शन को, तो आपने लिखा फंक्शन को कॉल करने के लिए आपने लिखा सम डिजिट, और सम डिजिट के अंदर आपने n पास कर दिया। ठीक है,
और फॉर्म ने फंक्शन की बॉडी क्या, यहाँ मेन फंक्शन की बॉडी कर दी क्लोज, एंड में लिख दिया है यहाँ रिटर्न जीरो। देखिए जरा, जब आप सम डिजिट को कॉल करेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पर n की वैल्यू इनपुट कराई 125, ठीक है, उसके बाद आपने फंक्शन कॉल करा, n की वैल्यू क्या आपने पास करी, सपोज करो 125, उसके बाद कंट्रोल जाएगा फंक्शन डेफिनेशन पे। जब आप 125 को कॉल करेंगे तो कंट्रोल जाएगा फंक्शन डेफिनेशन पे, और फंक्शन की डेफिनेशन जब एग्जीक्यूट होगी तो ये फंक्शन एंड में रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू। लेकिन किसको ये इंटीजर रिटर्न करेगा, उस पॉइंट पे जहां से कॉल हुआ था, यानी कि सम डिजिट को जब आप कॉल करेंगे और इसमें 125 पास करेंगे तो ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 8, यानी कि सम ऑफ डिजिट। तो जब ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा तो मैंने यहां पर एन के साथ साथ एक डी नाम का वेरिएबल और डिक्लेयर कर लिया, सही है, जिस डी के अंदर मैं वो इंटीजर वैल्यू रिसीव कर लूंगा, यानी कि डी इक्वल टू सम डिजिट, और देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लाइन में डी की वैल्यू प्रिंट कर लूंगा, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज सम ऑफ डिजिट डी, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो फर्स्ट कैटेगरी है फंक्शन की, यानी क्या, फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड आर्ग्यूमेंट, ये समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहां पर हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया जिसमें हम आर्ग्यूमेंट भी यूज कर रहे हैं। देखिए भाई, ये जो इंट एन है ये क्या है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, हम इसमें आर्ग्यूमेंट भी यूज कर रहे हैं और हम इसमें रिटर्न टाइप यानी कि इंट, इंट नाम का रिटर्न टाइप भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी हुई फंक्शन की। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट कैटेगरी डिस्कस करूंगा फंक्शन की। अभी के लिए थैंक यू। अगर आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।